हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर रोहन सरोज। मैं आज आप लोगों को क्लेविकल बोन ब्रेक हो जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को। जब क्लेविकल बोन हम लोगों को ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, उस समय मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो है फिगर ऑफ एट में बैंडेज लगा के बांध देते हैं इसको सपोर्ट के लिए, जिससे कि क्लेविकल बोन हम लोगों का बार बार मूवमेंट नहीं करेगा। इसको लगाने से हीलिंग प्रॉपर हो जाएगा। तो कैसे लगाया जाता है मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोल है और ये पट्टी है, इसके थ्रू जो है कि मैं लगा रहा हूँ। जैसे आप लोग घर पर भी इसको लगा सकते हैं, या इसका बेल्ट भी आता है लगाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से, ऐसे करके हम लोग क्लेविकल ब्रेस बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। फिर उसके बाद जो है पट्टी से जो है हम लोग बांध देते हैं इसको। फिगर ऑफ एट में ले जाके बांधेंगे। टाइट रहेगा ये जो पोजीशन रहेगा, ऐसे लगाओ यहाँ पे दोनों दोनों हाथ। ठीक है, उसको पूरा टाइट करके ले जाएंगे। पूरा टाइट रहेगा, जब भी पोजीशन रहेगा दोनों हाथ जो रहेगा यहाँ कमर के पास रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग बांधेंगे। ये हम लोग घर पर भी क्लेविकल ब्रेस बना सकते हैं, नहीं तो टाइनर का जो है आप लोग क्लेविकल ब्रेस मार्केट में आता है उसको खरीदना पड़ेगा। ये हम लोग फिगर ऑफ एट के पैटर्न में बांध रहे हैं इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं। दो पट्टी हो गया, तीसरी पट्टी आप देख सकते हैं जैसा कि निकाल रहे हैं, तीन पट्टी में बन जाएगा आराम से। फिर यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर ख़त्म हुआ, फिर इधर से ऐसे करके ले जाएंगे। ठीक है, पूरा टाइट करके लेके आएंगे इसको, गेरा ऐसे इधर से ऐसे। ठीक है, जब इतना हो जाएगा फिर इसको जो है हम लोग ये अंदर ऐसे डालेंगे, इधर से डालेंगे ऐसे करके। यहाँ पर बांध लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोगों का क्लेविकल ब्रेस जो है तैयार हो गया। ये रहा, ऐसे करके बांधेंगे पेशेंट को। ठीक, फिर छोड़ेंगे इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर दिखा दूँगा, इधर जाओ सीधा। ये रहा, ऐसे क्लेविकल ब्रेस हम लोग बांधेंगे। पीछे घूम जा, ये रहा क्लेविकल ब्रेस ऐसे करके बांधेंगे, जैसे क्लेविकल